अच्छा ऐसा करते ना मम्मी, हम पी लेते हैं उसके बाद आपको बना देंगे। नहीं नहीं अभी ये बना दो मेरे लिए। ऐसा क्या मम्मी, इधर तो चूल्हा खाली है, इधर बना लीजिए थोड़ा सा चाय। मेरे लिए बना देगी तो क्या हो जाएगा? नहीं बोलेगी मम्मी, हम पी लेते हैं उसके बाद आपको बना के दे देंगे। सास को 5 बार बोलना पड़ेगा। मम्मी है अपन, मम्मी कैसे 5 बार चाय बना के पिलाती हो? बिन बोले मुँह में डाल देती हो चाय। खुद बना लेंगे तो क्या हो जाएगा? बहू है क्या के लिए चाय बना के सब सास को देने के लिए ना आई हो? काय के लिए? हाँ तो बुढ़ापा में सामान गिर जाएगा तो बोलेगी अपने लाठी पकड़ के चल लीजिए। हम पीठ पीछे था तो तुम तो बाप माई को ढकेल दोगी तुम बुढ़ापा में। मम्मी आज तो देखते हैं लगता है नहीं आएगी काम वाली ना, तो बर्तन धो के जाना। बर्तन हम धो के जाएंगे, हम धोएंगे मम्मी। हमको पार्टी में जाना है, थोड़ा बढ़ो चाय है ना, चाय पी लो, अपनी मम्मी को भी पिलाओ, सबको पिलाओ, पूरा खानदान को पिलाओ। और फिट में जाके सास हम है कि सास तुम हो? हम ये कहाँ बोल रहे की मम्मी, सास तो आप ही है ना। बहू के काम है बर्तन धो के जाना, ठीक है? बहू का काम है ये सारा कुछ मम्मी। कहाँ जा रही हो राज कपूर बन के? क्या मतलब कहाँ जा रही हो राज कपूर बन के? ये स्टाइल है, इसको स्टाइल बोलते हैं मम्मी। मिष्टी मिष्टी कपड़ा पहन के बाहर क्यों जा रही हो? सारा कुछ तो ढका हुआ है। तो साड़ी पहन के जाना चाहिए, सूट पहन के जाना चाहिए, इसको स्टाइल बोलते हैं, समझ में आया? सिखाओ अपनी मम्मी को, सिखाते तो हो नहीं कुछ। नहीं ठीक है, लेकिन पहले तो मम्मी ही का बात सुनना है ना। हाँ, कि अपना मनमानी करोगी। हाँ, हाँ दी आप तो बोली नहीं, आप ऐसे भी मेरा साइड तो लीजिएगा नहीं, आपका भाई आपकी मम्मी। इस तरह से बोलोगी? सुनन तो ढंग से बात करो। तो ऐसे नहीं सुनेगी, बहुत सारे समझा दिए हैं। ये क्या करो, लठी से मतलब फाड़ देंगे। काम नहीं करो लठी से, बस बाहर निकल, घर करवा। हम क्यों जाएंगे? बहुत अच्छा हो गया, ठीक है कि हमको घर से निकाल देगा आराम से, तुम तीनों मिलके रहना, ठीक है? फट आगे से, फट आगे से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सोनल सुहान ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हुई हूँ। और आज का प्रैंक ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है, और आज के प्रैंक में ना सबसे ज्यादा किसी को डर लग रहा है ना वो मैं, ठीक है? मैं प्रैंक करने भी जा रही हूँ और डर भी मुझे को सबसे ज्यादा लग रहा है, क्योंकि ये वाला जो प्रैंक है ना मैं करने वाली हूँ अपने पति के ऊपर और अपनी सासू माँ के ऊपर। और ये जो प्रैंक है ना, मैं बेसिकली बहुत ज्यादा रूड बहू जो एक होता है ना कि बदमाश बहू बनने वाली हूँ, ठीक है? मेरी सास जो कुछ भी बोलेगी ना, मैं सारा कुछ ना उनको उल्टा जवाब दूंगी, अपने पति को भी उल्टा जवाब दूंगी। ये सोच के तो चलो हस्बैंड पे तो चलेगा, लेकिन सास के ऊपर, मेरी मदर इन लॉ के ऊपर, तो आप सोच सकते हो कि मैं कितना खतरनाक वाला पंगा ले रही हूँ अपनी सास से। और देखते हैं रिएक्शन तो बहुत ही मजेदार होने वाला है, पंगा देखना और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपना प्यार देना। और हाँ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो ताकि YouTube पे भी हमारा 1 लाख फैमिली कंप्लीट हो जाए। तो सपोर्ट करना गाइस। क्या करें सोना, हम चाय बना रहे थे मम्मी। मेरे लिए भी बना देना। हाँ इसमें तो हम चाय पत्ती और चीनी डाल दिए हैं मम्मी, थोड़ा सा और डाल दो मेरे लिए भी। अच्छा ऐसा करते हैं ना मम्मी, हम पी लेते हैं उसके बाद आपको बना देंगे। नहीं नहीं अभी ये बना दो मेरे लिए। ऐसा क्या मम्मी, इधर तो चूल्हा खाली है, इधर बना लीजिए थोड़ा सा चाय। मेरे लिए बना देगी तो क्या हो जाएगा? मेरे लिए बना देगी तो क्या हो जाएगा? ओह नो, मैंने तुमसे क्या बनाने के लिए कहा था? उसी में डालो, इसी में डाल दें। हाँ उसमें डालो, खराब हो जाएगा ना चाय मम्मी। नहीं खराब होगा, लो बनाओ, डालो आप चाय पत्ती। डाल रहे हैं, देख रही है चपत्ती और सब सारा चीज डाल दिए, इधर चूल्हा खाली था, बना लीजिए थोड़ा एक कप चाय। चाय पत्ती बना है, बोले कि मेरे लिए भी बना देना, तो बोलते कि हम दो बना लिए अपने लिए। कहे था बना रही हो चाय तो हमको ही पीने का मन था, तो तुम अपने अकेले पियोगी, हमको भी नहीं पिलाओगी? अब मम्मी जब बोल रही, मम्मी को बोलना पड़ रहा है चाय के लिए, गजब लड़की हो यार। सुबह आज सुबह से लगता है इसको बुखार लग गया, हमसे भी अकेले बात कर रही है। क्या बोले हैं मम्मी को, जो कि तुम एकदम आ गए हो एकदम पक्ष लेने के लिए, यहाँ पे इतना पार्शियल क्यों हो रहे हो? हम तो बोले कि मम्मी इसने चीनी भी डाल दी है, चपत्ती भी डाल दी है, पक्ष ले रहे हैं। चाय तो ऐसे भी खुशी से कोई बनाता है तो पिला देता है। अब तो हम भी सुन के आए, तो हम शाम हो गया, 5 बजने जा रहा था, हम भी जा पियेंगे, जबकि मांग रहे हैं हम तो उसमें डाल के बना। अरे तो हम यही बोले कि मम्मी हम पी लेते हैं उसके बाद आपको बना के दे देंगे। सास को 5 बार बोलना पड़ेगा, मम्मी है अपन, मम्मी कैसे 5 बार चाय बना के पिलाती हो? बिन बोले मुँह में डाल देती हो चाय, बार यहाँ मांग रही है, वही सुन रहे हम 3-4 बार बोले, हम पी लेंगे तब बना देंगे, कोई तरीका है जी? यार चाय का इतना इशू क्यों बना रहे हो? हम मम्मी को कुछ नहीं बोले, मम्मी को बोले कि मम्मी इसमें हम डाल चुके हैं, एक चूल्हा खाली है, इसमें थोड़ा सा आप बना लीजिए, अगर खुद बना लेंगे तो क्या हो जाएगा? बहू है क्या के लिए? बहू है क्या के लिए चाय बना के सब सास को देने के लिए ना आई हो? काय के लिए?
तो मम्मी अगर एक कप अगर आप चाय बना लीजिएगा तो कुछ हो जाएगा उससे। हाँ? उससे नहीं नहीं कुछ होगा, लेकिन जब बना रही हो तो मेरे लिए एक कप बना दो। हाँ, तो बुढ़ापा में तब तो देह सामान गिर जाएगा, तब तो बोलेगी अपने लाठी पकड़ के चल लीजिए। अरे तुम कहाँ का बात कहाँ लेके जा रहे हो, आज ये हरकत है तो कल तुम कुछ भी करोगी। ये तो मेरे सामने तुम लड़ रही हो, हम पीठ पीछे था तो तुम तो बाप माई को ढकेल दोगी तुम बुढ़ापा में। अच्छा ठीक है भाई, डाल देते हैं इसमें चीनी चपाती। वो चाय के लिए मुद्दा बने ले, अरे प्रेम से मांगिए, थोड़ा सा दूध थोड़ा सा चीनी एक्स्ट्रा डाल दो इसके। अभी काम वाली आ जाए, कोई आ जाए आदमी बोले ना अपने में लड़ ले, घर में बेमतलब कल्ला का माहौल बना देती है। अभी तुम्हारी गलती है, मम्मी की गलती नहीं है। अभी इसमें क्या लड़ाई करने की बात हो गई, आप बताओ क्या लड़ रहे हो तुम, समझ में नहीं आता। देखो देखो ना कैसे 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 बोल रही है, हम चढ़ा दिए हैं। बाप रे, ये तो हद ही हो गया, एक चाय के लिए तुम दोनों मिलके मेरे ऊपर चढ़ रहे हो। ये भगवान क्या जुलुम है। बोले थे कि सोनल मेरे लिए भी एक कप चाय बना दो, तो बोले हम बना दिए हैं, तभी फिर भी एक कप डाल दो, हम भी पिएंगे चाय। क्या इससे तो बड़ा बात बोल दी मम्मी, गाली दी तुमको। हम भी कोई बड़ा बात नहीं बोले, हम भी बहुत छोटा सा बात बोले हैं कि गैस खाली था इधर का, कि मम्मी एक कप ना हम इसमें सारा चीज डाल कर बना लीजिए। ठीक है बहस नहीं करो, मेरा चाय बन रहा है उसी में से ले लेंगे, थोड़ा सा भी पी लेगी हम भी पी लेते हैं। मजा आया। और सुनो, इसमें तीन का कहाँ से हो जाएगा, जब हम एक कप के लिए बनाए, सिर्फ अपने लिए बनाए तो उसमें जबरदस्ती हो जाएगा, एक एक ड्रॉप पियोगे क्या। मिल बाट खाए गंगा नहाए वाला कहावत सुनी हो ना, मिल बाट के जीना चाहिए परिवार में। ऐसे नहीं किए मांग दिए तो दे दो थोड़ा थोड़ा हम लोग को भी, हम लोग तीनों को बाट के पी लेना उसी में से। इतना जो तुम बहसबाजी कर रहे हो ना हमसे, जब तुमको इतना फिक्र है तो बना नहीं सकते मम्मी के लिए चाय, बना सकते हो ना। बहू के रहते बेटा छोड़नी और डब्बू पकड़ेगा, यही यही दिन दिखाने के लिए माई के सामने हमको भी जलील कर रही हो, हमारे मायो को जलील कर रही हो, तो ऐसा तो लड़की ने देखा सुबह इसका देख रहे हो कि आई हुई है, गजब बेइज्जती है। बहू नहीं हो गई ना, लग रही है ना कि कहीं की नौकरानी हो गई, चाय बना दो, ये कर दो, पानी दे दो, वो दे दो, पता नहीं क्या समझते हो तुम। नौकरानी नहीं है, बहू बेटी भी रहती है, तुम तो बेटी की तरह रहती हो, कहाँ नौकरानी बना रहे हैं। नौकरानी बर्तन धोने के लिए अलग आती है, झाड़ू पोछा देने के लिए अलग आती है, सिर्फ चाय मांग रहे हैं कि बेटा थोड़ा हमको भी चाय दे देना। सुनो ना थोड़ा सा ना तमीज में रहना सीखो, मम्मी को इतना बोल बुढ़ापा में बोलेगी तो बीपी पे बोलेगी। अच्छा ठीक है भाई, तुम लोग इसमें पी लेना, हम अपना अलग बना लेंगे। ठीक है, बात खत्म हो गया ना, बात खत्म हो गया ना, बस करो सासू माँ, बहुत हो गया। अरे ठीक है बना के पी लेना, हमको भी देना, तेज मत बनो ज्यादा, हमेशा लड़ते रहती है। अरे ठीक है दे देंगे चाय, इतना इसमें क्या इतना गुस्सा आने का बात है। मम्मी आज तो देखते हैं, लगता है नहीं आएगी काम वाली ना, तो बर्तन धो के जाना। बर्तन हम धो के जाएंगे, हम धोएंगे मम्मी, हमको पार्टी में जाना है, थोड़ा बर्थडे पार्टी में हमको पहले जाना है, इसलिए तुम बोले ना। और देखिए हम नेल्स करवाए हैं अपना, देख रही है नेल पेंट लगाए, खराब हो जाएगा तुम्हारे। तो क्या हो गया मम्मी, अगर एक दिन अगर आप बर्तन धो लीजिएगा तो कुछ हो जा रहा है। हमको पार्टी में जाना है ना मम्मी, पार्टी में जाना है तो अभी तो पार्टी सामने होती है, अभी क्या बजा है, अभी तो हमको टाइम लग जाएगा ना, एक घंटा तो तैयार होने में लगेगा, आधा घंटा थोड़ा सा आप कर लीजिएगा आज। थोड़ा सा बर्तन है उसको बोले ना, धो के चले। बर्तन धोने के लिए कहाँ पार्टी में। Oh, no. बोले थोड़ा सा बर्तन धोना नहीं आएगी काम वाली। तब काम वाली नहीं आएगी तब काम घर का करके जाओ, जहाँ जाना है। अब मम्मी धोएगी तुम्हारे रहते बर्तन की लाज होने लग रहा है इसको बोलने में, कुछ बोल दी हमको भी जलील करवाऊंगी क्या जी। तो तुम तो ऐसे करते हो ना, जैसे लग रहा है कि हम क्या जो बोल दिया, हमको तो लग रहा है कि हम पहाड़ तोड़ने के लिए बोल रहे हैं। तो बहू घर में रहेगी, सास को तुम ऑर्डर मार के जा रही हो कि हम नेल पेंट लगाए, यही तो तुम आज का लाल लगता करवा के रहोगे, लगता लाठी पहने निकलवा देगी। तुम लोग तो नौटंकी से ना, हम परेशान है, गजब ड्रामा करते हो। हम बस ये बोले कि आज आज नहीं आई है ना काम वाली, तो आज हमको निकलना भी है ना, जाना है श्वेता के बर्थडे में। पता नहीं श्वेता के बर्थडे में जाना, तो कम करके जाओ बर्थडे में, वहाँ ठीक जाके सबको चाय। यार इतना महंगा हम नेल्स करवाए हैं अपना, और नेल्स करवाए और ऐसे ही चले जाए ना। भगवान ये क्या हो रहा है, बर्तन धो के जाना है। हाँ हाँ बर्तन हमी को धोना ना पड़ेगा, हम तो एकदम बोल तो रहे हैं कि हम बाई है ना काम करने की, अगर एक दिन अगर मम्मी धो देगी बर्तन तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा धो के जाओगी तो क्या हो जाएगा। अरे हम नेल्स करवाए, मेरा नेल्स खराब हो जाएगा ना, खराब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेल्स खराब हो जाएगा। पार्क पे खाना जाओगी तो नेल्स नहीं खराब होगा, लड्डी पे खाना जाओगी तो हाथ उठ नहीं धोगी, इससे नहीं खराब होता है, बर्तन को घिसना पड़ता है, समझ में आया, बोली देख रही हो, बर्तन को घिसना पड़ता है। क्या बोली तुम, तो ऐसे आ रहे हो जैसे लग रहा है लगा दो तब ठीक रहेगी। सोनल कम बोलो, ज्यादा मत बोलो, मम्मी रहती तो ही काम करती। मेरी मम्मी अगर रहती तो ये बोलने का ही मौका ही नहीं मिलता हमको, क्योंकि मम्मी खुद समझ जाती है। हाँ पहले ही धो देती मम्मी, सासू माँ इसलिए।
दुनिया का चीज फिल्म टीवी देखते थे, हमारे घर में सब टांडे भी लोग कर रही है। इतना चिल्लाओ मत, पता क्या कल ही फेशियल करवाया और मेरा तो स्ट्रेस की वजह से मेरा फेशियल खराब कर दो, ठीक है? हमको पार्टी में जाना है, अपना जो चाय है ना चाय पी लो, अपनी मम्मी को भी पिलाओ, सबको पिलाओ, पूरा खानदान को पिला दो, और फिर तो मेरे आगे से, और फिर तो मेरे आगे से देख रही हो, देख रही हो आते उसको देखिए टाइट करके। अरे झगड़ा मत करो, मुझे झगड़ा नहीं करना, नहीं छोड़ दो, जाने दो, झगड़ा मत करो, मम्मी कल नहीं करो, कला नहीं करना है, कहने रहे हैं कला नहीं करना, ठीक है? चाय बाद मुंह दिया, चाय बाद दिया, चाय बाद बंद कर दिए। Two hours later, mean. हाँ श्वेता, हाँ। अरे नहीं, कब आना है? 6-7 बजे आना ना जी। हाँ हाँ, 6-7 बजे हम पक्का पहुंच जाएंगे बर्थडे में। हाँ अरे नहीं, क्या कुछ करेंगे, ऐसे ही बैठे हुए थे, चाय वाय बना रहे थे यार, जानती हूँ ना इतना ना ड्रामा होते रहता है ना 24 घंटा, कि पूछो ही नहीं। हाँ तुम आओगी, तुम क्या पहनोगी, तुम पहनोगी कुछ है, हमें बात कर रहे थे ऐसे करने। तो कैसे करें मम्मी, ससुर भैंस घर में ऐसे होता है? अरे तो ठीक तो बैठे हुए हैं अभी, ऐसे बैठे कैसे हो? ओह नो, बैठो, हम फोन पे बात कर रहे हैं मम्मी, एक सेकंड श्वेता, हम थोड़ी देर के बाद तुमको कॉल करते हैं, ठीक है? ससुराल है, तो मायका नहीं ना है, तो हम ठीक से तो बैठे हैं मम्मी, आराम से आदमी आराम से पैर पसारे हुए और रिलेटिव ऐसे थोड़ी बैठा जाता है। अब बैठने का भी कोई तरीका होता है मम्मी, हमको तो नहीं पता था, मम्मी ने सिखाई थी तरीका, मम्मी ने सिखाई थी तरीका। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, मम्मी बहुत कुछ सिखाई मम्मी, वही तो उसी के हिसाब से तो चल रहे हैं। तो ये क्या हुआ मम्मी, कपड़ा है गिर गया, इतना हेडेक देती है माँ, इतना हेडेक देती है माँ। अरे खेल खेलना तो इसके बाएं हाथ का खेल है। खाना शुरू कर दी। तो अंगूर किसके लिए था, ये सजाने के लिए था मम्मी, बताओ अंगूर खाने के लिए मम्मी हमको टोक रही है कि खाने के लिए है? खाने के लिए सही में नहीं रखे हैं, टेबल पर से खाया जाता है, वैसे खाया जाता, तरीका सीखो, प्लेट में लेके खाओ। अरे इतना साफ जगह, साफ टेबल पे रखा हुआ था अंगूर, खा ले तो क्या हो गया, खाने से नहीं रोक रहा, लेकिन तरीका छितराए ले तो उसको उठा दो, ठीक है? यहां कपड़ा फेंका हुआ है, सोफा का यहां फेंका हुआ है, दिन में तो रोबोट है, बात कर रही है कि हमारा देख रही हो, बोलने का स्टाइल देख रही हो, हाइट के कितना बोल रही है आज, हम तो बेइज्जत करते हो, हमने मयूर पापा को जलील करना शुरू कर दिए, ऐसा लड़की नहीं देखे हम। क्या चाहते हो बता दो, कि आज काम वाली नहीं आने वाली है, इसलिए तुम लोग सबको मिलकर चाहते हो ना कि आज हम घर से नहीं निकले, नहीं निकलो, आराम से काम करो, मम्मी बर्थडे है ना, बर्थडे में तो जाना पड़ेगा ना मम्मी, बर्थडे है तो शाम में बर्थडे है, मम्मी आप बैठी हुई है, बर्तन धोने नहीं है, हम क्यों धोए बर्तन, आपको बर्थडे में जाना है ना मम्मी, हम तुमको बोले कि बर्थडे में तो बर्तन धो के जाना, तो बर्तन धो के जाना, हम धोएंगे बहुत, तुम हो असास बर्तन धोएगी, पर ये बता तो क्या हो गया, धो के जाओ जहाँ भी जाना। तो मम्मी हम आपको इतने अच्छे से बोले कि 1000 का 1000 रुपए का नेल्स करवाए वो खराब हो जाएगा, बकराती कर रही हो, चढ़ा समझाओ इसे, सास हम है कि सास तुम हो, पहले बताओ, हम ये कहाँ बोल रहे कि मम्मी सास तो आप ही है ना, बहू के काम में बर्तन धो के जाना, ठीक है? बहू का काम है ये सारा कुछ मम्मी, हाँ तो किसका काम है, माई का काम है, दाई नहीं है क्या? अरे यार तुम तो इतना ना हर चीज में ना बोल, हर चीज में घुल जाते हो, क्या हम बात ऐसा बोल दिया, आज हमको जाना है, हम वही तो बोल रहे हैं मम्मी, हम वही बोल रहे हैं कि हमको पार्टी में जाना है, अगर एक दिन पार्टी में जाना है इसको, मेरे को जाना पड़ेगा मम्मी, अगर एक दिन अगर आप 4 बर्तन धो दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, मेरा दाई नहीं आएगा, तो एक दिन बर्तन धो सकती हो, ये क्या है, एक दिन दाई नहीं है तो हम 7 बर्तन धो गए, अब मैया क्या ठीक लड़ते रहती है, नहीं आएगी ना तो मैया वो खेल नहीं कर, 2 दिन गए ना देखे, ये वो खेल नहीं, दिन भर छोलिए तो वहाँ रहती है, आगे मम्मी क्या आराम देती है, सास माँ क्या आराम नहीं देती है, तुम्हारे इसके जगह तुम्हारी माँ रहती तो तुम क्या करती थी, तुम्हारे माँ रहती तो बोलती, बोलते नहीं मम्मी को, बाल धोई है, हाँ देखो चुड़ैल है तो बाल नहीं धोगी, उल्टा काम तो करवे करेगी, बाल नहीं धोना चाहिए, बृहस्पति को बाल नहीं धोना चाहिए क्या, क्यों नहीं धोना चाहिए, घर में दलिद्रा होता है, हाँ तो दलिद्रा तो बना दी है, दुकान वुकान सब बंद करवा के बैठा दी है, 1 रुपया पाई नहीं है, ऐसे भी इस फर्टीचर के पास कुछ नहीं था, ऐसे भी इस फर्टीचर के पास कुछ नहीं था, फर्टीचर के पास कुछ नहीं था, तुम जैसी लड़की रहोगी तो अच्छा अच्छा घर में दलिद्र लुटा दूंगी, फर्टीचर तो 3-3 दुकान खोला, लेकिन तुम दुकान नहीं चलाई, चलाई है, बाल दुकान क्यों बंद किया, बृहस्पति को रोज बाल धो लेती है ना, अरे आज पार्टी था मम्मी इसलिए हम धो लिए बाल,
सावन में मुर्गा खा लेगा अभी पार्टी के चक्कर में। अरे एक दिन अगर धो लिए तो कौन सा बहुत बड़ा आफत आ जाएगा। तुम लोग तो एकदम गजब ऑर्थोडॉक्स हो यार। ये पुराना चीज और पुराने चीज पे ना इतना ज्यादा बहसबाजी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है तो हम मार उड़ देंगे मम्मी, फिर बोलना मत, या पिटा देंगे। क्या बकवास कर रहे हो मतलब था? आप क्या चाह रहे हो? तुम लोग मिल के चाह रहे हो कि हम पार्टी में नहीं जाएंगे, लेकिन हम पार्टी में जाएंगे। ठीक है, और नाम बर्तन धोएंगे और पार्टी में तो हम जाएंगे ही जाएंगे। हम देखते हैं कैसे निकलते हैं। कहाँ जा रही हो? राजपुर बन के क्या मतलब कहाँ जा रही हो? राज कपूर बन के ये स्टाइल है, इसको स्टाइल बोलते हैं मम्मी। ये तो राज कपूर वाला ड्रेस है, अच्छा नहीं लग रहा है क्या? अब ये जा रहे बर्थडे में, क्या पहन के पहना बदल के जा रही है, देख रही हो? बर्थडे में क्या करे, साड़ी पहन के जाए। हाँ एक चीज बताओ, शादी शुदा औरत साड़ी पहनती है, ऐसे नहीं नकीला कर, देख रही हो पहनावा ओढ़ावा? उठा ले रे देवा, उठा ले रे। अब तुम मम्मी का जो गिरी है मम्मी, हम वही पूछ रहे थे अभी। तुम इसमें तेल वेल नहीं लगाई हो जी? अरे मेरे हाथ में तो खुद ये वाला मेरा हाथ उठता नहीं है, इतना दर्द है मेरे हाथ में, हम कहाँ से मिल पाएंगे बताओ तो। वाह दीदी वाह दीदी, एक कप चाय तो देवे नहीं करेगी, मालिश क्या करेगी? गिरी है नहीं तो हम दो बजे से अभी बोले हैं कि मम्मी का थोड़ा कर देना जी, दो दिन पहले ही बोले हैं। घर का ना और भी बहुत सारा काम होता है। ठीक है, कौन काम कर रही हो? बर्तन धोई नहीं, हम झाड़ू पोछा सारा काम करते हैं अपना, और मेरा हाथ में खुद ही दर्द है। देखो ना, ये उठ भी नहीं रहा है। ये बैग तुमको टांगने में नहीं बन रहा है, पता है तुमको? मेरे बदल वही गिर गई है। कुछ भी उठ नहीं रहा है तो क्या सास को नहीं लगाओगी? अरे भूल गए, दिमाग से निकल गया होगा, 75 का बात याद रहता है। इसकी माँ का बिस्टी बिस्टी कपड़ा फिर के बाहर क्यों जा रही हो? बिस्टी सारा कुछ तो ढका हुआ है बाबू। देख रहे हो मम्मी क्या बोल रही है? तुम हमेशा मम्मी का ही साइड लेना, मेरा साइड कभी मत लेना। माँ का साइड लेंगे तो पत्नी का साइड लेंगे, जुड़वा गुलाम बन जाए हम पागल वो लोग। हेलो, साड़ी पहन के जाना चाहिए, सूट पहन के जाना चाहिए, राज कपूर वाला कपड़ा पहन के कहाँ जा रही है? राज कपूर बन के इसको स्टाइल बोलते हैं, समझ में आया? सिखाओ अपनी मम्मी को, सिखाते तो हो नहीं कुछ। क्या बोला तूने? ये सब क्या देखना पड़ रहा? मम्मी के सिखाई हमको, हम सिखाएंगे मम्मी को, जो हमको जन्म दिया हम सिखाएं। तुम तो सीख रही हो, तुमको पता नहीं क्या सिखाई तुम्हारी माँ। तुमको ना, तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो, तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। एकदम पागल लड़की है, दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। हम पागल है? ये क्या हो रहा है? तुम लोग किस चीज का बहस कर रहे हो? ये बहसबाजी कर रहा है मेरे से और क्या? हम बहसबाजी कर रहे हैं, बताओ तो। मम्मी का हाथ दाबी है, मम्मी को चोट लगा है, बोले हाथ दाबो, बर्तन नहीं धो रही है, बिन दाई नहीं है कि बर्तन धोले बचा दिए। तो काम करके जाती है, अगर ये लोग जो मम्मी बोल रही है कम से कम कर तक के दी जानते हैं, हम काम कर देते, लेकिन जानती है वो बोली ना कि बहुत पहले वो उसका लेट पार्टी स्टार्ट होने वाला है। हम इधर आए तो लगा कि किस इतना ज्यादा मम्मी चिल्ला रही है और ये चिल्ला रहा है ना, इनका आवाज तो आ रहा है। हम लोग चिल्ला रहे हैं, हम लोग चिल्ला रहे हैं। Oh, no. अपने चिल्ला रही है, अपने चिल्ला रही है। हम शांति से बैठ के हम तो आराम से जा रहे हैं, लेकिन अब तो ऐसा हालत हो गया है, मेरे कान मेरे सामने मिलके शिकायत हो रहा है मेरा। हम शिकायत किए मम्मी? शिकायत तो नहीं की, हम भी भले बोल रहे हैं कि राज कपूर कपड़ा पहन के कहाँ जा रहे हैं। मम्मी ढंग से बात करी, मम्मी को जवाब दी, चाय नहीं दी, मम्मी को चाय मांगी तब पूछो नहीं, वो सब करके जा सकती थी। चाय दी, हम बोले थे क्या? एक चूल्हा पे हम ऑलरेडी हम डाल दिए थे चीनी चपाती, तो मम्मी को बोले मम्मी इधर खा लिए बना लीजिए, तो क्या हम बहुत बड़ा गलत बात बोल दिए? ठीक है, लेकिन पहले तो मम्मी ही का बात सुनना है ना। हाँ, कि अपना मनमानी करोगी? हाँ दी, आप तो बोलिएगा, आप ऐसे भी मेरा साइड तो लीजिएगा नहीं, आपका भाई आपकी मम्मी आप यही दोनों का साइड लीजिएगा, हम समझ गए। अच्छा मम्मी, मम्मी का हाथ टूट गया, तेल नहीं लगाया, बोलती है हमको अपने हाथ में दर्द है, लेकिन इसको गुस्सा आ रहा है कि तुम मम्मी जो करी चुपचाप करके चली जाओ। चल हम तो सुबह से सारा बात मान रहे हैं मम्मी का। हाँ? कौन सा बात नहीं माने हैं? बर्तन कहाँ धोई हो? अरे मम्मी चार बर्तन उस रहे जी, हम पार्टी से आएंगे ना, तो पार्टी से आएंगे तो धोएंगे। नहीं चाय भी नहीं, बहस तुम लोग कर रहे, उससे अच्छा है प्रॉब्लम चाय भी नहीं मिला, बर्तन भी नहीं धोया, और राज कपूर बन के जा रही है। देखिए दी, मेरा मजाक उड़ा रही है मम्मी, बोल रही है राज कपूर बन के कहाँ जा रही है। दो मिनट के लिए आते हैं कि इन लोग थोड़ा सा शांति से इन लोग साथ बात करेंगे, कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, इन लोग का देखते तुतु मैं शुरू रहता है जब देखो। हाँ तुतु मैं कुछ तुतु मैं हम लोग कर रहे जी। अरे मम्मी सुबह चाय बनाई, अब पता है सोसाइटी है ना, उस मेरे फ्लैट की तक आवाज जा रही है, तुम लोग का बहस कम होगा, किस चीज की बहस हो रही है, लोग सुनेंगे क्या कहेंगे?
तभी से वही तो समझा रहे हैं, इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हो ना, सब जगह आवाज जा रहा है। सबसे ज्यादा आवाज तुम्हारी जा रहा है, हम लोग का आवाज नहीं जा रहा हमारे बेटा को, आ रहा है आवाज तो सब का रहा है। सबसे ज्यादा तेज आवाज क्यों आ रहा है? मम्मी से बात कर रही है इसी वजह से। बोलो अच्छा कैसे सुनता थी, पूछो तो हुआ पे। हां तान छिद्रा की सुनता थी। बोल लो और क्या बोलना बताओ, बोलो और भी कुछ बोलना है? शिकायत हम पहले सुन लेते हैं सबका शिकायत, उसके बाद जाएंगे पार्टी में। उम्मा थोड़ा सा काम चलाओ, नहीं तो अब एक हाथ थाप जड़ देंगे, अब नहीं देखेंगे बहिने की माए हैं यहाँ पे। इस तरह से प्लीज ऐसे पेश नहीं आना है, बात नहीं जी तेरी बात सुन रही है, तुमको भी बहुत गलत तरीका है। हम लोग समझा के देख लिए, तुम समझाओ उसको। दूसरी बात देखो सुनो, अगर मम्मी को जो चीज नहीं पसंद है तो थोड़ा सा ढंग से पहन के चली जाती, सूट पार्टी सूट के बिना तो ससुराल में अलाउ नहीं है राजकपूर बंद, तब तो बोलेगी की घर में बैठो। मम्मी तो ठीक बोलेगी ससुराल में अलाउ नहीं है, अलाउ नहीं है बोलना की सूट। क्या बोलेगा की इसके ससुराल में कोई जींस पहनने से भी प्रॉब्लम होता है? तुम सोचे हो की मेरा इज्जत क्या होगा? देखो इसका इतना पैसा पड़ा हुआ है, दूर का सोचो, पहले घर का सोचो ना, इसके कारण मम्मी से बहस हो रहा है, ये गुस्सा हो रहा है, तो पहले ये ना सूटी पहन लेती तो क्या ज्यादा। तुम्हें शर्म है कुछ? तुम लोग का नाटक है ना नौटंकी, और ड्रामा जो है ना सीरियल ड्रामा, वो खत्म नहीं होने वाला है, ठीक है? हम कहीं लेट ना हो जाए, हमको निकलने दो, ठीक है? सुनो ना बात हो रहा है यहाँ पे, बड़ा बड़ा लोग बैठा है, सास बैठी है, ननद बड़ी बैठी है, अब तुम इतना पिंगल कर रही हो। क्या पिंगल पिंगल कर रहे हो? एक तो हम सुबह से बोल रहे हैं कि हमको बर्थडे में जाना है, चार बर्तन मम्मी को क्या बोल दिया मजने के लिए, लग रहा है ना कि घर में तूफान आ गया है। बाप रे इस तरह से बोलोगी? सुनल तो ढंग से बात करो, तो ऐसे नहीं सुनेगी, बहुत सारे समझा दिए हैं। ये क्या कर रहे हो? लड़की से मतलब फाड़ देंगे क्या है? ये अच्छा काम कर रही है मम्मी और दीदी ना, आप पीओ काम नहीं करो लड़की से, गलत बात है ना। जाओ घर बस बाहर निकल, घर जाएंगे हम। क्या चाह रहे हो तुम? देख रही हो घर से बाहर नहीं निकल बोलती है, कपड़ा पहन रही है वैसा, बर्तन ही थोड़ी है। देखो पहले अरे क्यों हल्ला कर रहे हो तुम लोग, चुप तो रहो आप, चुप रहे बदतमीजी नहीं कर रही सबसे, कह रहा था तुम ही तो हल्ला कर रहे हो, अब चुप रहो हो गया काम का, कम से कम बैठ के समझा तो सकते हो ना। इतना बहुत अच्छा हो गया, ठीक है कि हमको घर से निकाल देगा आराम से, तुम तीनों मिल के रहना, ठीक है? मजा आया, हाँ बहुत सुन लिया आप लोग का, साफ सबका हम लेक्चर सुन लिया, सबका उपदेश हम सुन लिया, अब अच्छा लग रहा है ना, आग पूरा लगा दी ताकि निकाल दे सुहाग को, अच्छी बात है, हट जाओ हटो रास्ते से। हम लोग समझा रहे हैं, आग लगा दी बोलती है, कुछ आग लगाई है, घंटा तो निकालते हो मारने के लिए हमको, बता दो। हम लोग और समझा रहे हैं कि आग लगा रहे हैं, और तुम जो इतना गुस्सा में जा रही हो, पहले तुम बैठो, यहाँ बैठो। हम क्या बैठे, हम तो देख लिया, अब तो बोल दो रहे, अब तो हाथ उठा लिया, अरे जा ही तो रहे, धकेलने की बात नहीं है। क्या क्या चाहते हो तुम, मारोगे तो मेरे ऊपर हाथ उठाओगे? फोन में मजाक करते हैं कि फोन तो हम लगाएंगे अपनी मम्मी को, उसके बाद जो खबर लेगी ना तुम्हारा, उसके बाद तुम देखना। और आप दोनों भड़का रही हैं ताकि हम चले जाए ना घर से, तो हम तो जा रहे हैं, अब तो बताएंगे जा रहे हैं, बोल रहे हैं चलो चलो चलो, हम कहाँ जा रहे हैं, कुछ तो नहीं बोले हैं। आज अब तक प्रैंक प्रैंक सॉरी सॉरी मम्मी सॉरी मम्मी सॉरी दीदी सॉरी प्रैंक बताओ तो देखो तो कैसे किया, दिन भर परेशान कर दी सबको ही, तो हमको लगा सच में झगड़ा हो रहा है, हम आए कि और हमको भी हम सुनाई, हमको लगा हमने अच्छा कर दियो, सुना हुआ सबको लगा हुआ, सॉरी बोल रहे ना भाई, सॉरी बोल रहे सबको, तुम अंधेरा में रखी हुई यार, कमेंट करके जरूर बताना कि ये प्रैंक आप लोगों को कैसा लगा, और फिर से हम बोल रहे हैं मम्मी सॉरी दीदी सॉरी, और चलो सुहान को भी सॉरी बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम नहीं करिए दीदी, मेरे घर में बहुत सारा प्रैंक किया है मम्मी से मिल के, इस टाइप का डेंजरस प्रैंक नहीं होना चाहिए।